बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीपीसी में जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनकी आगाही के लिए एक सारी एप्लीकेशन की नौयत बताएंगे और उनको कौन सा आर्डर डील करता है, ताकि इन वर्बेटम हर न्यू इंटरेस्ट जो एडवोकेट है उसको इससे आगाही होनी चाहिए। नंबर एक, एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रिजेक्शन आर्डर 19 रूल 1 एंड 2, एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आर्डर 7 रूल 11, एप्लीकेशन फॉर रिटर्न ऑफ प्लेंट आर्डर 7 रूल 10, अप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट आर्डर 6 रूल 16 एंड 17, अप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन सेक्शन 75 आर्डर 26, और इसी तरह छठा नंबर है अप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर आर्डर 40, अप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ इशूज़ आर फ्रेमिंग एडिशनल इशूज़ आर्डर 14 रूल 5, अप्लीकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटनेस ये आर्डर 16 रूल 1, अप्लीकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आर्डर 13, अप्लीकेशन फॉर एडिशन डिलीशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टीज आर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2, अप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ सूट रेस जुडिस कहते हैं सेक्शन 10। इसके बाद 12 है अप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री प्रोसीडिंग एंड एक्स पार्टी डिग्री आर्डर 19 रूल 6 13, अप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सूट अंडर आर्डर 19 रूल 4 विच वॉज डिसमिस ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ प्रोसेस फी आर कोर्ट फी आर पोस्टल चार्जेज आर डिफेंडेंट ड्यू टू नॉन अपीयरेंस ऑफ बोथ पार्टीज। 14 है अप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सूट आर्डर 19 रूल 9 विच वॉज डिसमिस ड्यू टू नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लांटिफ। 15 है अप्लीकेशन फॉर विदड्रॉल ऑफ सूट विद आर विदाउट परमिशन टू फाइल फ्रेश 1 आर्डर 23, अप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज अ पापर आर्डर 33, और इसी तरह है 17 अप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ आर्डर जजमेंट सेक्शन 114 आर्डर 46, अप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड डिग्री अंडर सेक्शन 12(2) विच वॉज ऑब्टेन बाई फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। 19 है अप्लीकेशन फॉर अप्रोप्रिएट आर्डर अंडर सेक्शन 151, 20 एप्लीकेशन ऑफ इशुएंस ऑफ अरेस्ट वारंट अंडर आर्डर 21 रूल 38, 21 है एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग अंडर सेक्शन 151, अप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ अ जजमेंट डिग्री आर आर्डर अंडर सेक्शन 152, अप्लीकेशन फॉर डिग्री डिलीशन आर एडिशन इशूज अंडर सेक्शन अंडर आर्डर 12 रूल 5, और इसी तरह आर्डर आगे 24 है, 24 अप्लीकेशन फॉर एडजमेंट अंडर 26 रूल 1, अप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन अंडर आर्डर 21, अप्लीकेशन फॉर समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अंडर आर्डर 26 रूल 6, 27 है एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ सैलरी अंडर आर्डर 21 रूल 48, अप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अंडर आर्डर 21 रूल 54, 29 है अप्लीकेशन फॉर सेल ऑफ अटैच प्रॉपर्टी अंडर आर्डर 21 रूल 64, 30 है अप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ सेल ऑफ अटैच इमोबल प्रॉपर्टी अंडर आर्डर 21 रूल 69, 31 है अप्लीकेशन फॉर ब्लॉकिंग ऑफ CNIC अंडर आर्डर 21 रूल 17, आगे अप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन बाई अनसाउंड माइंड अंडर आर्डर 32 रूल 15, अप्लीकेशन फॉर इनलार्जमेंट ऑफ टाइम by court under section 148 और application for imposition of cost under section 35 और 35 है application for memo of appearance under order 9 rule 1, और ये सारी ऐसी दरख्वास्तें हैं जो हर एक लॉयर को वर्बेटम याद होनी चाहिए, ताकि इनके मुताबिक वो अप्लीकेशन दे के अदालत से रिलीफ हासिल कर सके, और इनके अंडर फिर रेलिवेंट अथॉरिटीज़ भी हमें अवेलेबल होगी जब हम मुतलका आर्डर पे नीचे आके उसकी स्टडी करेंगे। डेट्स ऑल।